अब हम करेंगे 6.5 का क्वेश्चन नंबर ए का वन। देखिए 19 डिवाइडेड बाय 8, आपको पता है ये आपका डिवाइज़र है, 19 को 8 से डिवाइड किया तो 8 टू जा 16 जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3। अब आप देख रहे हैं जैसे कि 3 8 से छोटा है तो आपका डिवाइड नहीं होगा। अब आपका यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में बच्चे? क्यू फॉर क्वोशेंट और आर फॉर रिमाइंडर। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट 9 को डिवाइड करना है 2 से, 2 4 जा जाएगा आपका 8 और यहाँ पर बचेगा 1, तो आपका q इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर आपका 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 29 को डिवाइड करना है 4 से, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, यहाँ पर छोटा नंबर आना चाहिए, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर बचा 1, तो अब आपका q क्या हो गया यहाँ पर 7 और रिमाइंडर आपका हो गया 1। सेवन क्वेश्चन देखिए, 45 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 7 जा 42, माइनस करेंगे तो 3 हो गया, तो ये आपका q हो गया 7 और रिमाइंडर हो गया 3, यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है बच्चे। अब 19 से 29 को डिवाइड करना है। अब देखिए 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 छोटा है, अब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका बचा 2, तो q हो गया आपका यहाँ पर 3, रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 49 को, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो हम यहाँ पर लेंगे 8 6 जा 48, 48 इससे छोटा है, यहाँ पर बचेगा 1, तो देखिए q आपका हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। हमने ए के इतने पार्ट लिए, जो आपके बच्चे हैं टिक करें वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। देन वी आर टिकिंग क्वेश्चन नंबर बी, बी के देखिए हम कौन से ले रहे हैं, 53 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 53, तो कितनी बार जाएगा देखिए, अब हम 4 से 5 बड़ा है तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 1, नीचे उतारा 3, 4 3 जा 12, अब यहाँ पर बचा 1, तो ये आपका q क्या हो गया 13 और रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, इसका थर्ड पार्ट 4 से डिवाइड करना है 63, अब 63 में हम 6 लेंगे, दो डिजिट नहीं लेंगे क्योंकि 6 4 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 6 4 से बड़ा है तो यहाँ पर लेंगे 4 1 जा 4, यहाँ पर बचा 2, नीचे उतारा 3, तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, माइनस किया तो आया आपका 3, ये आपका हुआ रिमाइंडर और ये दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट, 4 से डिवाइड करा 69, तो देखिए 4 1 जा 4, माइनस किया तो 2, नीचे उतारा 9, तो 4 7 जा 28, 1 हुआ, तो ये आपका हो गया q, ये हो गया आपका r, रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट का, 7 से 85 को डिवाइड करा, 7 1 जा 7, माइनस किया 1, नीचे उतारा 5, 7 2 जा 14, अब यहाँ पर बचा 1, तो q हो गया आपका 12 और रिमाइंडर हो गया 1। बेटा सब में वही प्रोसेस है, आप लोगों को बस टेबल अच्छे से आनी चाहिए। अब 96 को डिवाइड करना है हमको 5 से, 5 से 96 को डिवाइड किया तो कितना आया 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा 4, नीचे उतारा हमने 6, 5 9 जा 45, माइनस किया 1, तो ये आपका हो गया q आपका 19, रिमाइंडर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4, 8 से डिवाइड करेंगे 95 को तो 8 1 जा 8, यहाँ पर बचा 1, नीचे उतारा 5, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 बड़ा होता है तो 8 1 जा 8, यहाँ पर हुआ 7, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 11 और रिमाइंडर 7, ठीक है बच्चे। अब इसका 13 क्वेश्चन, इसी बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 हम ले रहे हैं, 70 को डिवाइड किया 6 से, तो देखिए 6 1 जा 6, यहाँ पर बचा 1, 0 उतारा, 6 1 जा 6, यहाँ पर बचा 4, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जो मैंने यहाँ नंबर डाले वो करिएगा और जो नहीं करे हैं उनको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। 3 2 जा
सिक्स। देखिए बच्चे, यहाँ पर एट है तो हमने लिया थ्री टू जा सिक्स, यहाँ नंबर छोटा होना चाहिए, यहाँ पर अच्छा टू, नीचे उतारा एट, थ्री नाइन जा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थ्री नाइन जा 27, यहाँ पर बचा वन। ये आपका हो गया रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वोशेंट, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब नाउ वी आर स्टार्टिंग सी पार्ट। सी पार्ट के जो आपके टिक लगे हैं वो खुद करेंगे, जो नहीं लगे मैं यहाँ पर करा रही हूँ। यहाँ पर देखिए थ्री डिजिट है, सिक्स से हम डिवाइड करेंगे, 231, ठीक है। तो अब देखिए थ्री डिजिट है तो अब टू नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 323, वी विल टेक 23। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 बड़ा हो जाता है, तो 6 3 जा 18, माइनस किया तो यहाँ पर बचा 5, नीचे उतारा 1, 6 8 जा 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा 3, ठीक है बच्चे। अब आपका ये हो गया क्वोशेंट 88, रिमाइंडर हो गया 3, सही है। अब देखें इसका थर्ड पार्ट, 3 से डिवाइड करना है 406 को, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर बचा 1, अब हमने यहाँ उतारा 0, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1, अब हम नीचे उतारेंगे 6, 3 5 जा 15, योर रिमाइंडर विल बी 1, ये आपका रिमाइंडर और दिस इज़ योर क्वोशेंट। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा सी पार्ट में आपकी 3 डिजिट हैं, बी पार्ट में आपकी 2 डिजिट के क्वेश्चन हैं, जो आपका ए पार्ट है उसमें 1 2 डिजिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें आपके 3 डिजिट हैं। अब आप 3 से डिवाइड करिए 475, 3 1 जा 3, यहाँ छोटा नंबर आना चाहिए, 1 बचा, अब नीचे उतारा हमने कितना 7। अब देखिए 3 6 जा 18 होता है तो 3 कितनी बार लेंगे, 3 5 जा 15, माइनस किया 2 बचा, अब नीचे उतारा 5, तो कितना हो गया, 3 8 जा 24, यहाँ छोटा होना चाहिए ना नंबर, तो अब आपका यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 158 क्वेश्चन और 1 हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 9 से डिवाइड करिए 495, देखिए अब आपका देखिए 9 5 जा 45, 9 6 जा कितना होगा ज़्यादा, तो 9 5 जा 45, यहाँ पर हुआ कितना 4, नीचे उतारा 5, तो 9 6 जा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, पूरा चला गया, ठीक है बच्चे। तो अब आपका ये हो गया रिमाइंडर 0 और क्वोशेंट हो गया 55, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का, इसी का 9th पार्ट, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 489 को, तो कितनी बार जाएगा, 6 8 जा 48, यहाँ पर 0 बचा तो 9 उतारा, 6 1 जा 6, कितना बचा 3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर 3 बचा, हाँ जी बेटा देखिए अब यहाँ पर कितना हुआ 81 और यहाँ पर हुआ आपका रिमाइंडर 3 और क्वेश्चन हुआ 81। अब 11th क्वेश्चन देखिए, 7 से हमने डिवाइड करना है, 7 से हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, 455, 7 6 जा 42, माइनस किया 3, अब उतारा हमने 5, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा कितना हुआ 35, पूरा डिवाइड हो गया, तो अब इसका रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है, इसमें आपका रिमाइंडर हुआ 0 और इसमें क्वेश्चन हुआ 65, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ज़्यादा क्वेश्चन हैं लेकिन इजी क्वेश्चन है, 446 से डिवाइड करना है तो कितना, 5 8 जा 40, माइनस किया 4, नीचे उतारा 6, 5 9 जा 45, यहाँ पर बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बचा बेटा, तो हाँ जी बेटा अब आपका 89, तो ये आपका क्वोशेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 4 से डिवाइड करिए 162, तो ये कितना चला गया, 4 4 जा 16, और यहाँ पर उतारा 2, अब आप यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 0, क्योंकि आपका ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये आपका क्वोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब आपका जो डी पार्ट है बच्चे, डी पार्ट आपका 4 डिजिट का है, 1 6 3 7, इसके हम 2 पार्ट ले लेते हैं और बाकी के आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे, मैं इसकी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी। देखिए 9 3 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, कितना बचा, 16 में से 9 गए आपका 7 बचा, नीचे उतारा 3, तो 9 8 जा 72, यहाँ पर कितना 1 बचा, अब यहाँ पर उतारा हमने 7, तो आपके आ गया 9 1 जा 9 और आपका 8 हो गया क्वेश्चन, सॉरी रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर,
या आपका क्वेश्चन। अब नाइन से करिए, नाइन सिक्स जा 54, नाइन सेवन जा 60, नाइन सिक्स जा 54, यह आया 5, नाइन 5 जा 45, तो देखिए 13 में से 5 गए 8, अब उतारा हमने 7, नाइन नाइन जा 81, यहाँ पर बचा 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं डी के आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, मैं इसकी आपको वीडियो भेज दूँगी नेक्स्ट, उसमें इसका सॉल्यूशन भेज दूँगी।